नमस्कार दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। वास्तव में क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ने में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपके ये जो कमेंट्स होते हैं ये सकारात्मक कमेंट्स कहीं ना कहीं मेरी जो गतिशीलता है उसको बनाए रखने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। वरना कई बार मुझे लगता है कि वास्तव में शुक्ल जी को पढ़ने में यदि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, इतनी रुचि नहीं है आ रही है, तो हिंदी साहित्य में वास्तव में समस्याएं हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से स्वयं से बुक किताबों से भी पढ़ रहे होंगे। चलिए फिर भी आपके सकारात्मक अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वालों को, सबकी चैनल सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ही हमारा चैनल अपना साथ बनाए रखेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गद्य साहित्य का प्रचार, सॉरी प्रसार, प्रचार को हम पहले कर चुके ना, अब प्रसार करें। तो ये है द्वितीय उत्थान का संबंध, क्या है 1850 से 1975। प्रकरण चौथा है और गद्य साहित्य के निर्माण की बात हम करने जा रहे हैं। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया था कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम चार विभाग करते हैं, नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध और समालोचना। देखिए इन्होंने कहा है चार विभाग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है विभाग तो पांच हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, हो जाता। कहा जा रहा है कि द्वितीय उत्थान के अंदर हमने देखा कि गद्य जो निर्माण था, हिंदी साहित्य का गद्य निर्माण इतनी मात्रा में हो गया था कि इसको हम अपने आराम के लिए तीन चार पांच भागों में बांट सकते हैं। तो शुक्ल जी ने उन भागों में कैसे बांटा, नाटक, उपन्यास अलग कर लिए, कहानियां, निबंध और आलोचना, समालोचना। नाटकों की बात करें तो नाटकों को भी दो उसमें बांटा जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुदित नाटक की। अनुदित मतलब दूसरी भाषाओं में जो नाटक पहले लिखे जा चुके हैं उनका हिंदी में अनुवाद कर लिया गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतीय के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई ना पड़े। अनुवादों की परंपरा अलगत्ता चलती रही, अनुवाद तो होते रहे लेकिन मौलिक नाटक बहुत ज्यादा नहीं लिखे गए। सूची के बाद वक्त भाषा के अनुवाद बाबू राम कृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, पहले हो चुका है। संवत 1950 के पीछे यानी बाद में गहमर जिला गाजीपुर के गोपाल राम गहमरी ने, गोपाल राम पिता इनको पूरा नाम हम लोग गोपाल राम गहमरी के नाम से जानते हैं, बनवीर, वक्र वाहन, देश दशा, विद्या विनोद और रवींद्र बाद के चित्रांगदा का अनुवाद। ठीक है, यहाँ पे हम बात अनुदित नाटकों की ही कर रहे हैं। द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग पंडित रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहां, रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा विजेंद्र नाथ राय की उस पार, सपजहां, दुर्गादास, ताराबाई आदि कई नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किए। अनुवादकों की भाषा अच्छी खासी हिंदी थी और मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त किया गया। अभी इसके पहले आपको बताया गया था ना कि अनुवादों में कई लोग जिन्होंने अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया तो पूरी तरह से भाव भी उतर कर नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने एक डिक्शनरी का प्रयोग, शब्दकोश का प्रयोग अपने अनुवाद के लिए किया। इन नाटकों के संबंध में ये समझ रखना चाहिए कि इनमें बंग वासियों के आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों पर लगाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों को लंबे भाषा उनके अनुरूप नहीं जाते। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन प्रकट नहीं होता है ना, क्योंकि अनुवाद किए गए थे तो मतलब
कहीं ना कहीं जो लिखे गए मौलिक रूप से वो किसी और देश काल के लिए लिखे गए, अनुवाद किए गए, भाषा प्रकृति पूरी तरह बदल गई। अंग्रेजी के अनुवाद जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम ए ने संबत 1950 के कुछ पीछे शेक्सपियर के इन तीन नाटकों का अनुवाद किया था। कौन कौन से? रोमियो जूलियट, प्रेम लीला के नाम से, ठीक है, एज यू लाइक इट, और वेनिस का व्यापार, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो किया था। और उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी के छोटे भाई मथुरा प्रसाद चौधरी ने संबत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद साहसेंद्र साहस नाम के नाम से प्रकाशित किया। मैकबेथ का अनुवाद साहसेंद्र साहस नाम से उपाध्याय जी ने प्रकाशित कराया था, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत 1967 के लगभग हेमलेट का एक अनुवाद जयंत के नाम से निकला, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद होता, मतलब ये सीधे तौर पे हेमलेट यानी अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद नहीं था, हेमलेट के एक मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद किया गया था। संस्कृत के अनुवादों की चलिए बात कर लेते हैं। संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर लाला सीताराम भी सदा आदर के साथ स्मरण किए। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, नामों के आगे हमें एमए और बीए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उस समय की बहुत बड़ी उपाधि, और आज तो हम आप अपने यहाँ भारतेंदु की मृत्यु से 2 वर्ष पहले उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया, मतलब संस्कृत के काव्यों का अनुवाद भी शुरू कर दिया। लग्गा लगाया मतलब शुरू किया। और संबत 1940 में मेघदूत का अनुवाद खनाक्षरी चतुर छंदों में प्रकाशित किया। इसके उपरांत में बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते रहे। संबत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मच्छ कटे, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मानसी माधव, मालविका, विदुरमाल, विकाग्निमित्र का अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्य भाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं हुई, पर हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडम्बर सुनी है। सीधी सादी भाषा में अपने विचारों को जस का तस व्यक्त कर दिया। किसी चमत्कार, बहुत ज्यादा अलंकार, बहुत ज्यादा भाषा को सजाने की और नया बनलाने की कोशिश की भी नहीं, तो अच्छी गई। संस्कृत में भाव उनका इस ढंग से लाया गया कि संस्कृत पन या जटिलता नहीं आने पाई। भारतेंदु के समय में काशी के क्विंस कॉलेज में स्कूल के सेकेंड मास्टर पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्ण पूर्वक प्रयाग में आ गए, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेत वासना पद को मृत्यु को प्राप्त हुआ। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक रामचरितमानस, बिहारी सत्सई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, लेडी संहार और अभिज्ञान साकुत कलम के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी, हरिश्चंद्र की बात हो रही है, और उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया, पर पूरा नहीं कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक हिंदी के बहुत ही सिद्ध हस्त लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने उक्त टीका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया। संबत 1970 में पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित का बाद पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। कविरत्न के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए, जिसमें मूल के भावों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के समय में है, जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल 2 ही बातें कहीं कहीं मिलती है। ये 2 बातें आपको भी ध्यान रखनी होंगी। पहली बात ये कि ये ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त कुछ स्थलों पर ऐसे भी शब्द लाए हैं जो एक भूभाग तक ही, चाहे वे ब्रज मंडल के या अंतर्गत क्यों ना हो, परिमित है। मतलब कुछ ऐसे शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग कर दिया है जो एक निश्चित भूभाग के अंदर ही बोले जाते थे, उस पर्टिकुलर उस निश्चित भूभाग के बाहर लोग नहीं जानते थे उन शब्दों का मतलब। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जाने वाले सब शब्द ग्रहण नहीं किए गए। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही है, अतः
काव्यों में उसके वही हिंदी शब्द वही शब्द लाए गए जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौसी शब्द लीजिए जो खास मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह है सिदौसी का अर्थ अगर आप में से कोई जान रहा हो तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं श्लोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा तो दुरूह और अव्यवस्थित हो गई है, यानी कि इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया है जो एक निश्चित जगह पे बोले जाते थे, ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते थे। और दूसरी चीज ये कि भाव लाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा कठिन भाषा का प्रयोग कर लिया जो दुरूह और कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गई। बात कर लेते हैं अनुदित और नाटक हो गए, चलिए बात करते हैं मौलिक नाटकों। काशी निवासी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में दो नाटक लिखे, चौपड़ चपेट और मयंक मंजू। इसमें से प्रथम तो एक ऐसा था जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चे लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए। दूसरा पांच अंकों का नाटक था जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संबद्ध 1948 में लिखा गया था। ये भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर सका और लोग विस्मृत हो गया, मतलब लोग भूल गए उसे। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रवृत्ति के द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की वृद्धि हुई। उन्होंने रुक्मिणी परिणय प्रद्युम्न विजय प्रायोग नाम के दो नाटक, दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ अजमाने के लिए लिखे। आगे उन्होंने इसका और कोई प्रयत्न नहीं किया, मतलब उन्होंने कोशिश की थी करके देखते हैं वाला उनका हिसाब था और दो नाटक लिखने के बाद उन्होंने आगे नाटक नहीं लिखे। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था जिसमें भूति के उत्तर नारायण की कुछ झलक उनके भाई पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने तीन अच्छे रूपक लिखे, प्रभास मिलन, ब्रज के नंद, यशोदा, गोपियों का प्रभास क्षेत्र में वसुदेव, कृष्ण, बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया। मीराबाई नाटक भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंड चित्र दिखाने वाला अच्छा प्रहसन है। याद रखिएगा ये प्रहसन अभी तक बहुत कम पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। बातेंदु का प्रहर जीवन चरित्र लिखने वाले बाबू शिव नंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेख होते हैं। इन मौलिक रूपों की सूची देखने पर यह लक्षित हो जाता है कि नाटकों की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर भी गया। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविधा उलझे हुए पक्षों की सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण कर उनकी मार्मिक के अनोखे चित्र खड़े करने वाली उदाहरणों में नहीं पाई जाती है। आम जीवन से वो विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहे थे उस समय, जो भी ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग होते थे उन्हीं पे ज्यादातर नाटक लिखे गए। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु को लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवी के का चंद्रकला भानुकुमार, पर वह भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमार और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है। पूर्ण जी ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्ध हस्त कवि थे, अच्छे ज्ञाता थे साहित्य के। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्य के उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से, मतलब उनकी इच्छा ये नहीं थी कि इसको इसका मंचन किया जाए, उन्होंने तो साहित्य की दृष्टि से लिखा था। वस्तु विन्यास में कौतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र होता है उनके ना रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंठा रखने वाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा कर दिया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें रुचि नहीं। चलिए नाटकों की बात हो गई, अभी अब हम बात कर लेते हैं उपन्यासों की। उपन्यासों में भी हम पहले अनुदित उपन्यासों की बात करेंगे। इस द्वितीय उत्थान में
आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा किसी और वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक बड़ा फटिक। किस प्रकार के ये आगे प्रकट किया किस प्रकार ये आगे प्रकट किया जाएगा पहले अनुवादों की बात खत्म कर लेनी चाहिए। मतलब शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि बाकी सब लेखकों ने तो कहीं ना कहीं आलस दिखाया, लिखा लिख दिया, आगे नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा छूट गया, लेकिन जो उपन्यासकार उपन्यास बहुत लिखे थे उन्होंने कोई आलस नहीं किया। उन्होंने मौलिक उपन्यास बहुत सारे लिखे और अनुवाद भी बहुत सारे उपन्यास कर दिया गया। चलिए देख लेते हैं जब उन्होंने बिल्कुल आलस नहीं किया तो हम भी पढ़ने में बिल्कुल आलस नहीं करें। अनुवाद की बात करें समत 1951 तक बाबू रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अंग्रेजी के भी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग वृत्तांतमाला संवत 1947, पुलिस वृत्तांतमाला 1947 सॉरी ठग वृत्तांतमाला 1946, पुलिस वृत्तांतमाला 1947, अकबर 1948, अमला वृत्तांतमाला 1951। सारी वृत्तांतमाला लिखी है इन्होंने वर्मा जी। अकबर के अलावा सारी वृत्तांतमालाएं वर्मा जी ने लिखी, सही है। चित्तौर चातकी का पंथ भाषा से अनुवाद उन्होंने 1952 में किया। यह पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई हो और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुए कि सब कॉपियां गंगा जी में फेंक दी गई। चलिए पहले भी इस तरह का काम हो जाता था, सही है। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला नाम का अनुवाद किया। जया और मधु मालती के अनुवाद दो एक बरस पीछे बाद में निकले। अब तो आप पीछे का मतलब समझने लगे होंगे, बहुत सारे लोग पहले भी जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो भी आप समझ रहे होंगे। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी गई। उपर्युक्त तीनों लेखकों के भाषा बहुत ही संयत रही। यद्यप उनमें चटपटा पर ना के बराबर था पर हिंदी पर पूरा प्रभाव। फारसी अरबी के एक से फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं, साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। मतलब वो हिंदी में आके संस्कृत के नहीं लगते कहीं उनका, मतलब उनमें असामंजस्यता नहीं दिखाई देती। तो सारांश ये है कि उन्होंने सूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता जैसे संस्कृत का सहारा लिया। शौर्य, चापल्य, लाघव, मौख, सहाय और ये सब इसमें प्रिंट नहीं है और माधव जैसे संस्कृत करें, संस्कृत को भी हिंदी से सामंजस्य स्थापित कराते हैं। संस्कृत द्वितीय उत्तान काल के आरंभ में हमें बाबू गोपाल राम गैमर बंग भाषा के रहस्य उपन्यास के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान संवत 1857 के पूर्व लिखे गए थे, पहले लिखे गए थे, जैसे चतुर चंचला 1950, भानमती 1951, नए बाबू 1951 में और बहुत से इनके प्रारंभ काल में जैसे बड़ा भाई 1957 में, देवरानी जिठानी बहुत पूछा जाता है सबको, आपको पता होगा 1958 में, दो बहन 1959 में, तीन पतोहू 1961 में। भाई ज्यादातर देखिए इन्होंने गृहस्थ जीवन पे ही लिखा, गृहस्थ जीवन में क्या मिलेगा, बहिने पतोहू और ये देखिए एक और है सास पतोहू, ये सब तो मिलेगा। पतोहू का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पतोहू का मतलब। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है, ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल की भी कुछ अनुवाद मिलते हैं जिसमें मुख्य दीप निर्माण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज का समय चित्रित किया गया है। अब ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दीप निर्माण में किसका चित्र प्रस्तुत किया गया है, पृथ्वीराज चंद्र। इस उत्थान के भीतर पंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हाराण चंद्र रक्षित, चंडीचरण सेन, शरद
बाबू, चारूचंद्र इत्यादि पद्म भाषा के प्राय सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए थे। रविन्द्र बाबू की आंखें किरकिरी इत्यादि कई उपन्यास हिंदी के रूप में दिखाई थी। इनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाली हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। इस अनुवाद विधान में योग देने वालों में पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा और रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेख योग्य है। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में थे, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम। काशी बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू के अनुवाद से निकाले यानी लिखे। मराठी के अनुवाद उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। अंग्रेजी के दो ही चार उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए, जैसे रेनार्ड लैला और मंडन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद। अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर अब मौलिक उपन्यासों को लेते हैं। चलिए बात करते हैं मौलिक उपन्यासों की। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनमें उपन्यासों की सर्वसाधारण में दो काशी के बाबू देव की नंदन खत्री थी। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही ये नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र आदि कई उपन्यास लिख चुके। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नाम के इनके 11 उपन्यास की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र रहा, रस संचार, भाव विभूतियां, चरित्र चित्रण। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, ये आपसे पूर्व में पूछा जा सकता है। इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं है, पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए किसी और ग्रंथ का थे नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी, समझ लीजिए आप, और शायद हम लोगों में बहुत से लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। बताइएगा किसने किसने पढ़ा और आपको कैसा लगा। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नव युवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी बढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकी नंदन के प्रभाव से तिलिस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमा गई और शायद अभी तक ये शौक बहुत कुछ छटना नहीं हुआ, मतलब अभी भी लोग इस चीज को पसंद करते हैं। बाबू देवकी नंदन के तिलस्वी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाबू देवकी नंदन का संबंध में इतना और क्या देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया जिसे थोड़ी हिंदी और उर्दू पढ़े लोग भी समझ। कुछ लोगों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने राजस्व प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का प्रयोग भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ऐसा ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, ज्यादा उर्दू की तरफ उनकी झुकी हुई भाषा नहीं थी, फिर भी उर्दू पढ़ने वालों को समझ आ। कहना चाहे तो यूं कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम किया। जब हम गहन विचार वाली रचनाओं को लिखें तो उसमें ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं प्रयोग में लाई जा सकती। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार थे पंडित किशोरी लाल कोसा का जन्म हुआ था संवत 1922 में और मृत्यु 1989 जिनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में है। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र
वासनाओं के विक्रम चित्ताकर्षण का वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी ने संस्कृत के अच्छे जानकार और साहित्य के मर्मज्ञ और हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। समत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक निकाला था, मासिक पत्रिका उपन्यास गांधी जी, और द्वितीयोत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित कराए, 65। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। साहित्य की दृष्टि की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए थे, साहित्य की दृष्टि से उपन्यास नहीं लिखे गए थे। तो साहित्य की दृष्टि से अगर बात करें तो इन्हें हम पहला कह सकते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस द्वितीयोत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते, और लोगों ने मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार नहीं, और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े। पर गोस्वामी जी वही घर बनाकर बैठ गए, एक क्षेत्र में उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में। ये दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा भी पड़ा है, उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक हैं और चटकी है। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में, उनका चपला उपन्यास है उसके बारे में ये बात अधिक पक्के तौर पर कही जा सकती है। एक बात और जरा सी खटकती है, वह ये है कि उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पहले उन्होंने उर्दू लिखने का शौक हुआ, उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू है मुअल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजर्षि प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंक, कौन कौन से, भागे संख्या 2, 3, 4। उर्दू जबान और शेर सकून की बेढंगी नकल से, जो असल में कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव फट गया। गलत या गलत मानी जाए में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। गलत या गलत मानी में अगर शब्द लाए जाए तो वो भाषा की शिष्टता को गिरा देते हैं। खैरियत ये हुई कि उन्होंने जब उपन्यासों को अपने आपने मंगनी का लिबास नहीं पहनाया, तो उन्होंने अपने उपन्यासों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत प्राय समाज बहुलता भाषा काम में लाई गई। इन दोनों प्रकार के लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चटपटा कर पूछ सकता है, यह दोनों हिंदी हैं? हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। इस हौसले से बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने नहीं दिया। वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डामाडोल है, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ ले ना दिया। मतलब आप समझिए, हमें यहाँ भी जाना है, 2-4 नामों पे एक साथ पैर रखने की बात कही जा रही है कि हम इसमें भी कर ले, थोड़ा उसमें भी कर ले। इससे क्या हुआ कि एक जगह पे उन्होंने अपना स्थान नहीं बनाया, तो जो वो और अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पाए। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के रूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाता है, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने कुछ भूखे या पेचवान रखने की बात कही गई है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने कुछ उपन्यासों के नाम के कुछ उपन्यासों के नाम है तारा, चपला, चपला में जिसकी अभी बात की गई, करुण तपस्वरी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लावक लता, हृदय हरणी, हीरा भाई, लखनऊ का प्रत्याग। अब आती है बात अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, जिनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना साथ में बनाए रखिएगा। नमस्कार।